बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अंतिम क्षणों की अनसुनी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखें। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्तमान में जैसे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वैसी सुविधाएं बाबा साहब के समय में उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समय में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी जितनी की आज विकसित हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समय में सिर्फ रेडियो का आविष्कार हुआ था। रेडियो के माध्यम से जनसंपर्क किया जाता था और लोगों को जानकारी दी जाती थी। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ, तब रेडियो के माध्यम से लोगों को बताया गया था कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अब नहीं रहे। अंबेडकर के अंतिम क्षणों की अनसुनी कहानी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण की खबर सुनकर लाखों लोग मुंबई की दिशा में निकल पड़े। जो वाहन, जो साधन मिला, जिन्हें नहीं मिला, वह भी पैदल चलकर निकल पड़े, तो कोई बैलगाड़ी लेकर मुंबई में पहुंच गए। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जैसे भिक्खु गण शोक सागर में डूबे थे, बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद उनके लाखों करोड़ों अनुयायी शोक सागर में डूबे थे। आए दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पार्थिव शरीर को भगवा वस्त्र चीवर पहना दिए थे, किंतु उस समय कुछ राजनैतिक लोगों ने भगवे वस्त्र के ऊपर सफेद और नीले रंग का कपड़ा रख दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने माता रमाई के निर्वाण के बाद चीवर वस्त्र पहने थे और उन्होंने यह प्रण लिया था कि आगे की जिंदगी बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए व्यतीत करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भगवे वस्त्र एवं तथागत बुद्धा के प्रति लगाव सामने आता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन में संपत्ति का इस्तेमाल कभी निजी कार्य के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने समाज के उन्नति के लिए निरंतर संघर्ष किया। हर दिन उन्होंने बहुजनों के हित और सुख के लिए चारिका की है। प्रबोधन का कार्य कभी रुकने नहीं दिया। भले ही उन्होंने चीवर वस्त्र परिधान नहीं किया हो, किंतु वह एक भिक्खु की कसौटी पर खरे उतरे थे। वह असली बोधिसत्व थे, इसलिए उनके अंतिम समय में उन्हें भगवे वस्त्र पहना दिए थे। कुछ राजनीतिक दलों ने अब तक यह बात हमसे छुपाई है। यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भगवे वस्त्र चीवर एवं तथागत बुद्धा के प्रति लगाव सामने आता है, तो निश्चित ही इसका संपूर्ण भारतीय लोगों पर सकारात्मक असर होगा, इसलिए यह बात अब तक हमसे छुपाई गई। यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भगवे वस्त्र चीवर एवं तथागत बुद्धा के प्रति लगाव सामने आता है, तो निश्चित ही इसका संपूर्ण भारतीय लोगों पर सकारात्मक असर होगा, इसलिए यह बात अब तक हमसे छुपाई गई। आज जो नीले और भगवे रंग को लेकर जो राजनीति दिखाई देती है, वह राजनीति कभी नहीं दिखती, और न ही भाई भाई में झगड़े होते। लोग भाईचारे को अपनाते, और सबसे खास बात, लोग बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार का कार्य तेजी से करते। आज भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अभिवादन करने के लिए लाखों लोग चैत्य भूमि में आते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत यहाँ के अस्पृश्य समुदाय के लोगों ने तरक्की का वह मुकाम पाया है जिसमें बाबा साहब का त्याग और संघर्ष शामिल है। सिर्फ अस्पृश्य लोग ही नहीं, बल्कि तमाम भारतीय लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। दिसंबर 1956 में मुंबई में सबसे बड़ा धर्मांतरण का कार्यक्रम करने वाले थे। आखिरी दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमें तथागत बुद्ध की राह पर लेकर आए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जितनी भी प्रतिज्ञाएं की थीं, उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया है। इतना ही नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अक्टूबर 1956 के बाद दिसंबर 1956 में मुंबई में सबसे बड़ा धर्मांतरण का कार्यक्रम करने वाले थे। 6 दिसंबर 1956, इस दिन बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे।
जब हम बाबा साहेब आम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहेब ने शिरकत की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव आम्बेडकर की पत्नी सविता आम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉक्टर आम्बेडकरांच्या सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोधगया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। मुंबई में धर्म परिवर्तन समारोह की योजना बनाना माई साहेब आम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है। राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता आम्बेडकर माई साहेब ने उन्हें जगाया और कॉफी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहेब और माई साहेब ने कुछ बातें की। उसी वक्त नानक चंद रत्तू वहां आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई, उस वक्त बंबई में धर्म परिवर्तन के एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों को शामिल होना था। नानक चंद रत्तू पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आए थे और यहां वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहेब के साये की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानक चंद ने बाबा साहेब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानक चंद उनके सचिव रहे थे। नानक चंद ने बाबा साहेब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की थी। बाद में नानक चंद ने बाबा साहेब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। नानक चंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 सितंबर 2002 को 80 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाबा साहेब ने रत्तू से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सकें। माई साहेब की डॉक्टर आम्बेडकरांच्या सहवासात जीवनी के अनुसार बाबा साहेब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद बाबा साहेब ने नानक चंद रत्तू से कहा कि वो विमान से उनके मुंबई जाने की व्यवस्था करें। उसके बाद बाबा साहेब काफी देर तक नानक चंद रत्तू को बोलकर कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने चले गए और चूंकि रात बहुत हो चुकी थी तो नानक चंद रत्तू भी उनके बंगले में ही सो गए। उससे पहले ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अंतिम क्षणों में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया था। यही कार्य तमाम बौद्ध अनुयायियों को करना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि तथागत बुद्ध का इतिहास ही भारत का असली इतिहास है, बाकी सब मीथक हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने अनुयायियों को जितनी भी बातें कही हैं उन सभी बातों
पर बुद्धिस्ट लोगों ने अमल करना चाहिए। सही मायने में यही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को असली अभिवादन साबित होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।